दिल्ली एमसीडी चुनाव में बड़ी हार के बाद कांग्रेस ने गुजरात को लेकर बड़ा फैसला किया है। कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गुजरात का प्रभारी बनाने का ऐलान किया है। गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन ने इस्तीफा दे दिया है। अजय माकन ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दिया। दिल्ली में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद अजय माकन ने पद छोड़ दिया है। बता दें कि तमाम कांग्रेस नेताओं ने अजय माकन के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। अरविंदर सिंह लवली जैसे सीनियर नेताओं ने तो पार्टी ही छोड़ दी थी। मेरी आशा थी कि हम लोग थोड़ा सा और इससे अच्छा हम प्रदर्शन करेंगे, लिहाजा दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अगर जो मेरी उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई, लिहाजा मैंने तय किया है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा और मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि एक वर्ष लगातार मैं कम से कम एक वर्ष मैं और कोई पद पार्टी में नहीं लूंगा और एक साधारण कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी में कार्य करूंगा और इस पार्टी के साथ में मेरा जुड़ाव आइडियोलॉजिकल है और जिस आइडियोलॉजी के साथ में मैं पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ हूं उसी के आधार पर मैं कार्य करूंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में बीजेपी की बंपर जीत पर मनोज तिवारी समेत पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई दी। अमित शाह ने केजरीवाल पर अटैक करते हुए कहा कि दिल्ली ने आरोपों की राजनीति को नकार दिया। दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एमसीडी के तीनों महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत दिलाई। मित्रों, ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में चल रही है, लगभग 3 साल से चल रही है, इसने अपने काम से जो संदेश लोगों के बीच में दिया है, देश भर में मोदी जी के नेतृत्व की स्वीकृति और बढ़ी है और ये जीत इसको और पुष्ट करती है। एमसीडी चुनाव में बीजेपी को मिली शानदार जीत को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ऐतिहासिक बताया है। मनोज तिवारी ने कहा कि इस जीत के साथ ही हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई। साथ ही मनोज तिवारी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। और ये जीत जितनी ऐतिहासिक है उतनी बड़ी हमारी जिम्मेदारी है और हम उसको स्वीकार करते हैं। जनता का हर आदेश हमें स्वीकार है। इस दिल्ली में जब 70 में से 67 सीटें बीजेपी के अगेंस्ट एक पार्टी को चली गई तो भी हमने कहा था हम जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन आज दूसरी तरफ स्थिति देख लीजिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठा व्यक्ति जिसको दिल्ली के गलियों में ईंट से ईंट सजाना चाहिए वो ईंट से ईंट बजाने की बात करता है। मुख्यमंत्री पद पे बैठ के लोगों को जीवन देते हैं, खुशियां बांटते हैं। इतिहास में पहली बार हमने देखा इस चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के पद पे बैठा व्यक्ति दिल्ली के लोगों को धमकी दे रहा है। भाई, अन्ना हजारे ने केजरीवाल पर कथनी और करनी में भेद करने का आरोप लगाया। अन्ना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल उनके बताए रास्ते पर नहीं चले जिसके कारण उनकी हार हुई। कि हम अगर चुनकर आ गए, हम अगर सत्ता में आ गए तो सरकार का बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, तनख्वाह नहीं लेंगे, हम त्याग के भावना रखेंगे, ऐसे ओपनली कहा था और मुझे भी एक्सप्रेशन दिया था। लेकिन एक बड़ा बंगला भी लिया, गाड़ी भी लिया, तनख्वाह भी लिया और इतना नहीं, अपने जो एमएलए
और पार्टियों ने भी जितना तनखा नहीं बढ़ाया होगा उससे ज्यादा इन्होंने बढ़ाया है। एमसीडी चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है। बीजेपी ने इसे सुकमा के शहीदों को समर्पित किया और जश्न न मनाने का फैसला किया। हम आपको बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीर दिखाते हैं जिसमें सुकमा में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली के जनादेश पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने कहा कि ये जनादेश दिल्ली के विकास के लिए है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भरोसा करने के लिए लोगों को बधाई दी। बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन का कहना है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल के रवैये से ऊब गई थी। उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी के लिए चिंतन का वक्त है। दिल्ली बीजेपी के प्रभारी श्याम जाजू ने जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को दिया है। श्याम जाजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व और अमित शाह के कुशल रणनीति की वजह से एक के बाद एक जीत का सिलसिला जारी। नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, ये कोई नकार नहीं सकता। वो प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में जो जो चुनाव हुए हैं, नगर निगमों के भी चुनाव हुए हैं, वहाँ सभी जगह पे भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जीती है। अमित शाह जी एक अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में, अच्छे रणनीतिकार के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं। वो पूरी लड़ाई, इलेक्शन छोटा हो या बड़ा हो, खुद का माइंड अप्लाई करके पार्टी की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल का कहना है कि लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि आम आदमी पार्टी अब अपने अंत की ओर है। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने कहा कि पूरे देश में विकास का काम शुरू हुआ है और एमसीडी की जीत प्रधानमंत्री के काम का असर है। शाजिया ने भी कहा कि केजरीवाल के झूठे आरोपों का नकारात्मक असर हुआ। देखिए, इसकी बहुत सारी वजह है। सबसे पहले तो पूरा जो विकास का काम देश में शुरू हुआ है, एक नई वार्ता जो हम देखने को मिल रही है, ये उसका असर है। दूसरा, जो गरीब है, बिल्कुल जो गरीब पिछड़ा हुआ तबका है, खुल कर वो सामने आ रहा है। और ये बीजेपी की पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी, ये प्रधानमंत्री का काम। आप अगर जनधन योजना देखिए, नोटबंदी देखिए, ये सबको साथ लेके चलने की बात कीजिए, ये ठीक उसका असर मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन उससे हटकर जो झूठे वादे हुए हैं, जो वादा खिलाफी हुई है, और अभी कल तक ईवीएम को जो ब्लेम किया जा रहा है एक पार्टी द्वारा, उसका भी बहुत नकारात्मक असर हुआ है। और मेरे ख्याल से एक नया चेहरा देना लोगों को, एक नई दिशा देना, एक नई विजन देना, उसका बहुत फायदा हो रहा है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जीत आम आदमी पार्टी को पच नहीं रही। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ईवीएम राग छेड़ते हुए कहा कि जिस बीजेपी ने 10 साल में दिल्ली में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया, उसकी जीत को लेकर ये यकीन होता नहीं कि बगैर ईवीएम लहर के वो जीत सकती है। वहीं गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में मोदी लहर नहीं बल्कि ईवीएम लहर है। जनता पार्टी पिछले 10 साल से एमसीडी में काम कर रही है, उसके बावजूद और एमसीडी में बीजेपी ने भ्रष्टाचार, डेंगू, चिकनगुनिया, कूड़ा, इन सब के अलावा कुछ किया नहीं है ये फैलाने के अलावा। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बीजेपी को सीट्स मिली हैं, उस पर यकीन नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष का कहना है कि जनता को भी गड़बड़ी का अंदाजा नहीं है इसी कि सभी ईवीएम में बीजेपी को वोट पड़ा है। देखिए, जनता लोकतंत्र के अंदर जनता महत्वपूर्ण होती है, जनता सर्वप्रमुख होती है, लेकिन जनता को भी इस बात का अंदाजा नहीं है किस तरीके से गड़बड़ी हो रही। जिस तरीके से धौलपुर के अंदर आपने देखा, जिस तरीके से भिंड में आपने देखा, हर जितनी ईवीएम्स हैं सब में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और सब में जाके बीजेपी को वोट पड़ रहा है, ऐसा क्यों? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने बिजली के दाम आधे किए, पानी मुफ्त किया। पिछले 2 साल से ना तो बिजली के दाम बढ़े हैं ना पानी के दाम बढ़े हैं। इस दिल्ली शहर के अंदर आज अस्पतालों के अंदर लोग सुकून महसूस कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। और जिस ईवीएम, जिस बीजेपी के बारे में लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ लूटा, इन्होंने कोई काम नहीं किया है, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है ये।
कांग्रेस नेता किरण वालिया का बयान है कि अब लोगों का मन आपसे हटकर कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस का जिस तरह से आंकड़ा बढ़ता जा रहा है वोट शेयर का, उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस बहुत अच्छे स्तर पर निकल कर आएगी। और आप मत भूलिएगा कि 2015 का जो लास्ट चुनाव था उसमें हम 9.65 पे आ गए थे। उसके बाद जो रजौरी का लेटेस्ट एक मूल्यांकन हुआ है और एक रेफरेंडम जिसको केजरीवाल जी ने खुद कहा था कि ये रेफरेंडम होगा मेरे ऊपर, तो वहाँ पर उनकी तो जमानत जब्त हुई और हम लोग 36% वोट पे आए। तो ये बहुत बड़ा जंप है, कभी भी इतने कम समय में इतना बड़ा जंप कोई पार्टी नहीं लेती। कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी का कहना है कि जमीनी कार्यकर्ता हमारे साथ है। No, that will not have major impact because the grassroots workers are with us. So it is them who matter. So on the contrary, you know, their betrayal of two leaders at the last moment on the eve of the MCD election, that has created a new resolve in the workers that we have to teach them a lesson and we will do very well in this election. आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि जनता की आवाज में भगवान की आवाज होती है, लेकिन मशीनों से छेड़छाड़ के खिलाफ आवाज उठाएंगे। देखिए, अब एक्सपेक्टेशन का या ओपिनियन का या एग्जिट पोल का टाइम तो खत्म हो गया, अब तो एक्चुअल रिजल्ट आ रहे हैं और जनता की आवाज में भगवान की आवाज होती है, तो नतीजे बस कुछ ही घंटे में, एक से डेढ़ घंटे में सबके सामने होंगे, उसी को सब लोग देख रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीकों से नतीजे आए उनका स्वागत है, जरूर स्वागत है और मान्य है, लेकिन अगर तांत्रिक तरीकों से नतीजे लाने की कोशिश की जाएगी तो जरूर इस चीज के ऊपर तो सवाल फिर उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई को उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं। वो भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम जाएंगे। वहीं योगगुरु रामदेव के पतंजलि योगपीठ में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करेंगे। बाबा रामदेव ने कहा कि योग को इतना महत्व देने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं। रामदेव ने कहा कि पतंजलि ने अब तक 6 लाख लोगों को रोजगार दिया है।